वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर थर्ड हिस्ट्री में जो है हम लोगों का नाज़िज़्म इन द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर पे हम लोग कंटिन्यू थे, सो आज भी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना सही है। सो बिना किसी बात के अब हम लोग इस चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आज हम लोग टॉपिक कौन सा देखेंगे, 3.2 का टॉपिक आज हम लोगों को देखना है। सो हम लोग पहले उसे अपन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, द रेशियन यूटोपिया, इसमें क्या है ये हम लोग देखेंगे। अंडर द शैडो ऑफ वॉर नाजी प्रोड्यूस द रेशियल्स देयर मर्डर्स रेशियल आइडिया। अब देखो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थ्रू हम लोगों को देखने को मिला कि नाजी जो है वो मारने के लोगों के अलग अलग आइडिया ढूंढ रहे थे। जेनोसाइडल एंड वॉर बिकम टू साइडेड ऑफ सेम कॉइंस। फिर देखो जेनोसाइडल्स वार हुआ, फिर दो हिस्सों में मतलब लड़ाई जो है हमारा वॉर जो है वो बट गया। एक तरफ एलाइड थी और एक तरफ सेंट्रल पावर। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडिंग अप, पोलैंड इसे डिवाइड किया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड एंड एक्सेंस टू जर्मनी। जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था वो जर्मनी के पास था। पोल्स वर फोर्स टू लिव देयर होम एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड ऑक्यूपाइड बाई एथिक जर्मन्स ब्राउट इन फ्रॉम ऑक्यूपाई यूरोप। अब देखो क्या हुआ है कि पोल्स के जो इंसान थे, मीन्स पोलियंस आदमी जो थे, उसे क्या किया गया, फोर्स किया गया कि तुम ये अपना जगह छोड़ दो, वहाँ हमारे यूरोपियन आदमी रहेंगे। पोल्स वेयर दी हार्डर लाइक केटल इन दी अदर पार्ट ऑफ जनरल गवर्नमेंट डिस्टिंग्विश्ड ऑफ अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायरमेंट। अब डिजायरेबल जो है एम्पायर जो है एम्पायर के लिए ये ऐसा हो गया। मेंबर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर इन अदर कीप अप इंटीरियर पीपल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल सर्वाइवल। अब देखो वहाँ पे क्या था, लोगों को क्या है मतलब मास लेवल में मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एक बार में मार दिया जाता था। पॉलिस चिल्ड्रेन हु लुक लाइक आर्यंस वर फॉर्सिबल स्नेस्ट फ्रॉम देयर मदर एंड एक्सटेंडेड बाई रेस एक्सपर्ट। अब देखो जो पॉलिस के जो बच्चे थे जो आर्यंस की तरह दिखते थे, प्योर आर्यंस की तरह, तो उसे अपनी माँ से दूर करके उसे अनाथ आश्रम में रखा जाता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इफ दे पास्ट द रेस टेस्टेस वेयर देयर वेयर रेस्ट इन जर्मन फैमिली एंड इफ नॉट देयर वर डिपोजिट इन अपॉर्चुन्स वर मोस्ट प्रिजर्व विथ सम ऑफ लार्ज होस्टेस एंड गैस चैम्बर द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्वाइव एज किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। अब देखो जनरल गवर्नमेंट है उसने भी कुछ नहीं किया इसमें, जब देखा कि हिटलर ने मतलब जो इसको मारने के लिए ऐसा बनाया था गैस चैम्बर, तो वो भी कुछ नहीं किए, राइट। अब हम लोग का ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यही हमारा है डेथ गैस चैम्बर। इसमें देखो क्या था, इसमें लोगों को अंदर पहले रख दिया जाता था, ठीक है, अंदर पहले लोगों को भेज दिया जाता था, फिर यहाँ का जो गेट है वो हमारा बंद करके, और इसमें क्या होता था मतलब कि जहरीला गैस छोड़ दिया जाता था जिसके कारण आदमी क्या था मर जाता था। हो गया हम लोगों का ये चैप्टर भी, मीन्स ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब देखो स्टेप टू डेथ है, इसमें अभी हम लोग सिटीजन के साथ रहने का राइट था। दी नॉर्बेल्स लो वॉच सिटीजनशिप ऑफ सेप्टेम्बर 1935। अब देखो यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस इसमें कैसे कैसे मारा जाता था उन सभी के बारे में है। यहाँ पे मैं बस नॉर्मली आप लोगों को बता देती हूँ, नहीं तो मैं पढ़ के ही बता दे रही हूँ अगर आप लोग चाहेंगे तो। ओनली पर्सन ऑफ जर्मनी और रिलेटेड ब्लड वोल्स
henceforth the German citizen enjoy the protection of German Empire. देखो जो जर्मन में गुड सिटीजन थे वही बस जर्मन एम्पायर के साथ खुश थे, मीन्स नाजी के साथ खुश थे. मैरिज बिटवीन ज्यूइश एंड जर्मन वर फॉलिटिफाइंस. अब देखो ज्यूइश के साथ नॉर्डिक आर्यंस जो है वो शादी नहीं कर सकते थे, उसे अलग अलग इस रखा जाता था. एक्सटर्मिनल रिलेशन बिटवीन ज्यूइश एंड जर्मनी बिकम अ क्राइम. ज्यूइश और जर्मन के बीच में, जर्मन यहाँ पे किसे कहा गया है, आर्यंस लोगों को, प्योर आर्यन को यहाँ पे जर्मन कहा गया है और ज्यूइश को वही बोला गया है ज्यूइसी. उस दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप रखना वो एक क्राइम था. ज्यूस वेयर फॉरेनर्स टू फ्लाई नेशनल फ्लैग. अब देखो क्या था कि ज्यूइश के लिए एक अलग नेशनल फ्लैग था जो हमारा है फॉरबिडन. अब देखो अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ ज्यूस बिजनेस. देखो बॉयकॉट में ज्यूस को क्या था, अलग बिजनेस था. एक्सक्लूज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, उसे गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी जॉब नहीं था. फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिलेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टी भी उससे छीन लिया गया. देन बिसाइड ज्यूस प्रॉपर्टी वेयर वैनलेड एंड लोकेटेड हाउस अटैक साइंगिंस एंड ब्रंट एज मेन अरेस्टेड इन अ प्रोग्राम इन नवंबर 1938 रिमेंबर एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास. अब देखो क्या था कि जो भी ज्यूइश के आदमी थे उसके घर पे वगैरह पे अटैक किया, उसे ना ही कोई सरकारी जॉब मिल रहा था ना ही कुछ. अब देखो जैसा यहाँ पे वो लोग यहाँ पे बेंच वगैरह पे रहते थे, पार्क बेंच कहीं कहीं पे पहले वो जाके रहने लगे. ठीक है अब देखते हैं हमारा सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड. गेस्टेशंस ऑफ 1940 to 1944, यू हैव राइट टू लिव Among us, from September 1941, all Jews had we wear yellow stars of David of Brest. अब देखो क्या 19 September 1941 में उस सभी को क्या येलो स्टार का ये पहना दिया गया. They identify marked what champions in their passport. All legal documents and houses. अब देखो उसके हाउस पे भी उसका मतलब जो ज्यूस का घर है उस पे ये लिख दिया गया, ये मतलब उसे समझ जाते थे इधर ज्यूस का इलाका है, मीन्स सारा ज्यूस का घर है. They were kept in Jewish house in German. Jewish house का जो पहला ज्यूस का घर था उसमें जर्मन के लोग रहने लगे थे. And in cottages like Lotz Warsaw in the east. अब उन लोगों के ईस्ट वाले जगह में उन जो लोगों को जाके रख दिया गया था. दिस बिकम सिट्स ऑफ एक्सट्रीमी मिनिस्ट्री एंड पॉवर्टी. अब वो लोग बिल्कुल पॉवर्टी में जीने लगे थे, कौन, ज्यूस. ज्यूस हैड टू सर्वाइडल ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे इंटरग्रेटेड. ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इंटरग्रेटेड अ गेटोट्स सन ऑफ गेटोट्स were bemoaning with a hunger, starvations and diseases due to depletions and poor hygiene. अब देखो वहाँ पे क्या था कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं वहाँ पे क्या था कि लोगों को एकदम अलग कर दिया गया था सबसे, तो उसे खाने पीने में भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये ज्यूस है, ज्यूस वाले को घर से बाहर निकाल दिया गया है और इसका जितना भी सामान वगैरह था वो सब फेंक दिया गया है. राइट देखो ज्यूस के बच्चे हैं ये सब और इनका सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, इनका सारा सामान फेंक दिया गया है, तो इनके पास कुछ भी नहीं था तो ये बिल्कुल गरीब हो गए थे, खाने को भी इन लोगों को नहीं मिल रहा था. फिर एनालाइज इन 1941 ऑनर यू हैव नो राइट टू लिव. अब राइट मतलब कि कोई भी राइट नहीं है एक साथ रहने का, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आप देख सकते हो पहले आप लोग यहाँ पे कुछ चप्पल जूते के फोटोज वगैरह हैं. ठीक है पेल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर, यहाँ पे चप्पल जूते गैस चैम्बर क्लोथ्स वगैरह, जैसे कि गैस चैम्बर में लोगों को मार देने के बाद उसका जो कपड़ा होता था, जुतल चप
जूता चप्पल जो भी होता था, शूज सब वगैरह होता था, उसे सब ऐसे ही बाहर में फेंक दिया करते थे, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। देन किल्ड वाइल ट्राइंग टू स्पेस द कंस्ट्रक्शन कैंप वर इनक्लोज टू वायर। सब देखो, एक वायर है ना, उसे में ऐसे करके उसे मार दिया जाता था, देख सकते हो आप लोग, ऐसे वायर बीच में बना दिया गया था। देन अब देखो, ज्यूस फ्रॉम ज्यूस हाउस कंस्क्रिप्शन कैंप्स एंड घर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोपियंस ब्रॉट टू डेथ फैक्ट्रीज बाय, एक टेबल कर ले दो राइट, जिसके कारण वो सारा दिखेगा, पूरा तो नहीं दिखेगा, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। गुड ट्रेंस, अब देखो, ज्यूस का सब कुछ अलग कर दिया गया था, ज्यूस का मतलब डेट फैक्ट्री ज्यूस को बोल दिया गया था, ज्यूस का सब कुछ अलग था, ट्रेन वगैरह सब कुछ इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट मोस्ट नोटेबल ब्लैंक्स स्विच सॉम्बल्स एंड ट्रिलेट्स चेलोमोन्स एंड केलोमोन्स एंड मजडेंक, ये सब क्या है, गैस चैम्बर है जिसमें ज्यूस को मारा गया था। दे वेयर चार्जेस इन गैस चैम्बर, ये सब गैस चैम्बर है। मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट ऑफ साइंटिफिक प्रिसिशंस, अब देखो इसमें सेकेंड भी नहीं लगता था और इंसान क्या होते थे, मर जाते थे। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इधर क्या है, इधर ज्यूस रहते होंगे तो इधर जर्मन के आदमी रहते होंगे, बीच में ऐसा कुछ कांटा कांटा टाइप का। अब आप लोग सोचते हो ज्यूस का घर इतना अच्छा तो है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग जब आगे जाओगे तब आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो ज्यूस जब ऐसा कुछ होता था, मतलब मारा वारा जाता था, तो ऐसे रोज सब के चप्पल वगैरह फेंक दिया जाता था। अब देखो, अ कंस्क्रिप्शन कैंप, अ कैंप कैन मेक अ डेथ ब्यूटीफुल, अब देखो यही एक कैंप है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा इलाका था, वहाँ पे इसने एक कैंप बना के रखा था, इसी में लोगों को मारा जाता था। सूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिशन बिफोर फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन के पहले जब लोगों को मारा गया था तो ऐसा सूज वगैरह सब ऐसे ही फेंका हुआ है। देन अब हम लोग चलते हैं फोर्थ में, सॉरी मीन्स अब हम लोग इसे फोर्थ में अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है इतना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम बताइए, आपके प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो के साथ बने रहिए और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिएगा, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।